हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट पे नया मोबाइल सेल जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है यहाँ पर फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। एंड आज की वीडियो में मैं यहाँ पर ये सेल में से 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील बताने वाला हूँ, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेट के बारे में। तो सेल डेट अगर आप देखोगे 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में चलेगा, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो तो आपका 22 तारीख से मतलब आज रात 12 बजे से ऑलरेडी सेल स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आप प्लस मेंबर नहीं हो तो मतलब आप बोल सकते हो आज रात 12 बजे से आप लोग के लिए यहाँ पर सेल स्टार्ट होगा। एंड 27 जुलाई तक यहाँ पर ये चलने वाला है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो 4 बैंक ऑफर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, कोटक बैंक एंड आरबीएल बैंक। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको 750 रुपए का मैक्स डिस्काउंट है। एंड बाकी के 3 बैंक में आपको जो 1000 रुपए का मैक्स डिस्काउंट देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे। तो गाइस, चलिए मैं लाइन से 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहली डील की अगर हम बात करें तो सैमसंग लवर लोग के लिए, भाई जिसको कम प्राइस पॉइंट पे 5G फोन चाहिए सैमसंग का, उन लोग के लिए सैमसंग F23 5G। ऐसे तो जिसका बेस होने 4128 वाला आपको मिलता है 15,000 रुपए के आसपास, लेकिन ऑफर वगैरह आप सारी चीजें लगा तो मिलेगा सिर्फ 13,000 रुपए में, वो प्राइस पॉइंट पे। वैल्यू फॉर मनी डील आप कह सकते हो। डिजाइन अच्छा देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 750G की तगड़ी परफॉर्मेंस है, अच्छे खासे 5G बैंड है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, वन यूआई, सारी चीजें मिल जाती है। तो 12 से 13,000 रुपए का बजट है 5G स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग ब्रांडिंग के अंदर, दिस इज द बेस्ट डील। नेक्स्ट है यहां पर भाई बजट लवर लोग के लिए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, 8,500 रुपए का मिलता है, बैंक ऑफर के साथ में आपको मिलेगा 7,650 रुपए में, वो प्राइस पॉइंट पे आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील है, क्योंकि यहां पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश वाला डिस्प्ले मिल जाता है, डिजाइन अच्छा देखने को मिलता है, यूनिसॉक T610 वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो कि तगड़ी गेमिंग करके भी देगा बजट में, कैमरास वगैरह ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, 6000 एमएच की बैटरी मिल जाती है एंड बेस रेंज में 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज मिलती है। तो मेरा नहीं ख्याल 7,500 रुपए के आसपास इससे बेटर स्मार्टफोन आपको इंडिया में मिलेगा, हाईली रिकमेंडेड है, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें भाई जिसको एकदम से सस्ता 5G स्मार्टफोन चाहिए उन लोग के लिए, ये आपका पोको M4 5G पे सारे ऑफर अगर आप लगाते हो बेस आपको पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली 10,000 रुपए के आसपास। एंड वो प्राइस पॉइंट पे ये भी आप बोल सकते हो चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन की लिस्ट में आ जाता है। 5G तो आपको मिलता है, अच्छे खासे 5G बैंड भी है, डिजाइन अच्छा मिल जाता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको एक डिस्प्ले मिलता है, डिमेंसिटी 700 की आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है, बड़ी बैटरी है, सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल सस्ता 5G स्मार्टफोन लेना है 10,000 रुपए के आसपास, डेफिनेटली पोको M4 5G की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें 20,000 रुपीज में ऑलराउंडर वाली डील है Xiaomi 11i 5G। ऐसे तो ये 25,000 रुपीज का मिलता है, लेकिन ऑफर में दिया जा रहा है 20,000 रुपए में। एंड 20,000 रुपए में तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन में कहूंगा। बॉक्सी टाइप का यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक AMOLED डिस्प्ले, डायमेंसिटी 920 की तगड़ी परफॉर्मेंस, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा, 5000 एमएच बैटरी, 67 वॉट का टर्बो चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो 20,000 रुपए का बजट है, एक सॉलिड तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो ये भी काफी सॉलिड डील आप कह सकते हो, आपको देखने को मिलती है पोको M4 Pro के 4G वाले वेरिएंट जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ में आते हैं। आपको ये डायरेक्टली स्मार्टफोन जो 664 वाला वेरिएंट है 11,500 रुपए का देखने को मिल रहा है, वो प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट डील है ये प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि यहां पर डिजाइन अच्छा देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले, Helio G96 की तगड़ी परफॉर्मेंस, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग। तो 11,000 रुपए के आसपास का बजट है, एक सॉलिड स्मार्टफोन चाहिए AMOLED डिस्प्ले के साथ में, डेफिनेटली पोको M4 Pro 4G की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें अगेन पोको की तरफ से 15,000 रुपए में मेरे हिसाब से बेस्ट 5G स्मार्टफोन या आप बोल सकते हो ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन है पोको X4 Pro 5G। जो एक्चुअल प्राइस पॉइंट था 664 वाले वेरिएंट की कुछ 19,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था, अभी आज सारे ऑफर वगैरह आप लगाओगे आपको मिलेगा सिर्फ 15,000 रुपए में। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट इनक्रेडिबल डील मैं कहूंगा। यहां पर भी बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 695 की डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छे खासे 5G बैंड के साथ में, कैमरास वगैरह यहां पर आपको डिसेंट देखने को मिलता है, 5000 एमएच बैटरी, 67 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है 15,000 रुपए के स्मार्टफोन पे, एक्सीलेंट डील है मैं बोलूंगा, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील है भाई ये भी 10,000 रुपए में काफी तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है रियलमी नार्जो 50, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहूंगा 10,000 रुपए में। यहां पर भी डिजाइन अच्छा देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है, Helio G96 की तगड़ी परफॉर्मेंस, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा, 5000 एमएच बैटरी, 33 वॉट का
फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो भाई, हैवी यूजर है, मतलब एक तगड़ा सी ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए 10,000 रुपए के बजट में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, 950 की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, फ्लैगशिप किलर डील है पोको F4 5G। ऐसे तो ये 28,000 रुपए के आसपास जो इसका बेस वन देखने को मिलता है, लेकिन सारे ऑफर अगर आप लगाओगे ये सेल में आपको मिलेगा सिर्फ 24,000 रुपीज में। एंड 24,000 रुपीज में काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर भी आपको डिजाइन अच्छा देखने को मिलता है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 870 की तगड़ी परफॉर्मेंस, कैमरास अच्छे देखने को मिलते हैं OIS के साथ में, प्लस बड़ी बैटरी मिल जाती है, 67W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो फ्लैगशिप किलर टाइप का आपको स्मार्टफोन चाहिए 24,000 रुपए के आसपास का बजट है, ये डील की तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो ये भी काफी सॉलिड स्मार्टफोन डील है 15,000 रुपीज में, मोटो G71 5G। जी हाँ, 19,000 रुपए के आसपास कुछ लॉन्च हुआ था, सेल में आपको मिल रहा है सारे ऑफर लगा के सिर्फ 15,000 रुपए में, वो प्राइस पॉइंट पे वैल्यू फॉर मनी डील आप कह सकते हो। आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में एक छोटा स्मार्टफोन देखने को मिलता है, प्लस 6.4 इंच का पंच होल के साथ में AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही में स्नैपड्रैगन 695 की डिसेंट परफॉर्मेंस है, 12 से 13 5G बैंड का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, प्लस 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरा, डीसेंट कैमरा कहूंगा, 5000mAh बैटरी, 33W की चार्जिंग, टोटल स्टॉक एंड्रॉइड का यहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर। तो अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो, 15,000 रुपए में आपको AMOLED भी चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड भी चाहिए, प्लस 5G भी चाहिए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नहीं के बराबर मिलता है। तो ये अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में, मोटो G71 5G की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगेन एक 5G डील है बजट में, ये आपको देखने को मिलती है पोको M4 Pro 5G पे। जी हां, सारे ऑफर वगैरह लगाओगे इसका बेस वन आपको मिलेगा सिर्फ 11,000 रुपए में, वो प्राइस पॉइंट पे तगड़ा 5G स्मार्टफोन में कहूंगा। यहां पर भी आपको डिजाइन अच्छी देखने को मिल जाती है, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 810 5G की तगड़ी परफॉर्मेंस है, अच्छे खासे 5G बैंड के साथ में, 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, अच्छी क्वालिटी का कैमरा मिल जाता है, प्लस यहां पर भी आपको 5000mAh बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, सारी चीजें मिल जाती है। तो 11,000 रुपए के आसपास का बजट है, एक सॉलिड 5G स्मार्टफोन चाहिए, पोको M4 Pro 5G की तरफ भी आप देख सकते हो। सो गाइस, ये ओवरऑल 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो Amazon के प्राइम डे सेल की भी डील्स का वेट कर रहे, तो यहां पर कल 23 जुलाई से यहां पर स्टार्ट होगा, तो जब सारी डील्स वगैरह रिवील्ड हो जाएगी तो उसकी भी ऐसी टाइप की जो बेस्ट स्मार्टफोन डील रहेगी मैं आप लोग के लिए यहां पर कुछ दिनों के लिए लाता रहूंगा। वैसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करो Amazon की डील एंड बाकी की भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तो डेफिनेटली एक सब्सक्राइब तो यहां पर बनता है। वैसे गाइस, हां, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको यहां पर ओवरऑल वीडियो कैसी लगी, कि आपने इसमें से ऑलरेडी कोई डील को ग्राब कर चुके हो या वीडियो देखने के बाद प्लान कर रहे हो ग्राब करने की, ये डील्स को लेके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।